नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बहराइच में आस्था और संस्कार के पर्व छठ का उगते सूर्य को अर्ध के साथ समापन हो गया। रविवार सुबह नदी, तालाब और नहरों के पानी में उतरकर महिलाओं ने भगवान भास्कर को अर्ध्य देकर व्रत का समापन किया और संतान कल्याण के लिए मुरादें मांगी। अर्ध्य देने के बाद छठी मैया के लिए बनाए गए खास ठेकुआ प्रसाद लोगों में बांटा गया। चार दिनों तक चलने वाला ये व्रत 31 दिसंबर को नहाए खाए के साथ शुरू हुआ था। इस दौरान लोग भक्ति भाव में डूबे नजर आए और नदियों के किनारे आस्था का सैलाब देखने को मिला। इस बार देश भर में छठ की छटा देखकर एहसास हुआ कि अब ये त्यौहार कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पटना, बिहार, उत्तराखंड और मुंबई, हर जगह एक समान आस्था और श्रद्धा के साथ लोगों ने छठ का महापर्व मनाया। बहराइच के विभिन्न घाट पर महिलाओं ने तड़के सवेरे घाट पर जाकर पूजा की तैयारी की और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। सभी के परिवारजन अपने अपने क्षेत्र के तालाब, सरोवर, नदी, पोखरों में खड़े होकर व्रतियों को उदीयमान सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने में सहयोग करते नजर आए। आज आप लोग यहाँ घाट पे आए और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया है, क्या है इसका महत्व? जो मानते हैं वो पूरा होता है, छठ माता के बहुत बड़ा पर्व होता है। ये कब से आप लोग यहाँ पूज रहे हैं? कम से कम 30-35 साल हो गया। पांचवे दिन से शुरू होता है, सातवें दिन खत्म होता है। इसको खत्म करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? अर्घ दियाते हैं, गंगा माँ से और छठ माँ से प्रार्थना करते हैं, सूरज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे सही रहे, हमारे घर परिवार सब सही रहे। जैसे हम लोग के व्रत रहते हैं, पानी में ठड़े रहते हैं तो अपने बाल बच्चों के लिए, जैसे धन दौलत कीर्तन सब लोग अपने बरते रहते हैं, ठीक। उसके बाद रक्षा के लिए माता जी रक्षा करें। जिसके लड़का नहीं होता उसके माँ लड़का देती, छठ माँ देती हैं, कोढ़ी लंगर है उनको काया देती हैं माँ, इसीलिए सब लोग बरते रहते हैं। इससे पहले शनिवार को नदी में उतरकर अस्त हो रहे सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य दिया गया। इस दौरान घाटों पर नए वस्त्र धारण कर पूजन करने लोग पहुंचे थे। छठ का व्रत काफी मुश्किल होता है, इसलिए इसे महाव्रत भी कहा जाता है। इस दौरान छठी देवी की पूजा की जाती है। छठ देवी सूर्य की बहन है, लेकिन छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई है। बता दें कि हर साल दिवाली के कुछ दिन बाद यानी कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। इसकी शुरुआत चतुर्थी को नहाए खाए से शुरू होती है। अगले दिन खरना या लोहंडा, जिसमें गन्ने के रस से बनी खीर प्रसाद के रूप में दी जाती है। षष्ठी को डूबते सूर्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जल चढ़ाकर इस पर्व की समाप्ति होती है। छठी मैया को अर्घ्य देकर संतान प्राप्ति और उनके अच्छे भविष्य की कामना भी की जाती है। छठ का पर्व जो है, जो महिलाएं व्रत रखते हैं, सूर्य ये पूर्वांचल से चला हुआ बिहार में बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है। ये आस्था का, पूर्वांचल के आस्था का बहुत बड़ा पर्व है। और सूर्य जब डूबता है उस समय महिलाएं सूर्य का प्रणाम करती हैं। छठ पर्व हमारा एक ऐसा त्यौहार है जो डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके व्रतवती महिलाएं अपने पूजा को समाप्त करती हैं। इसी क्रम में आज सहनवाजपुर ग्राम पंचायत है जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे कई गांव के लोग महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुए इस स्थान पर, और अभी डूबते हुए सूर्य को दीप जला करके प्रणाम करके वो अपने गंतव्य को निकले हैं लोग। और सुबह 4 बजे यहाँ पे भीड़ पुनः चालू हो जाएगी, जिसमें जो है सभी व्रतवती महिलाएं आएंगी। 6:00 का जो है समय दिया गया है, जिसमें सूर्य निकलने के उपरांत जो है अर्घ दिया जाएगा। अर्घ के बाद ये अपना व्रत तोड़ेगी। बहराइच से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सिद्धार्थनगर में भी शनिवार शाम छठ पर्व पर व्रती महिलाओं ने जिले के राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती नदी, जुमवार घाट पर पहुंचकर यहां बनाए गए अपने अपने वेदियों पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया। राप्ती नदी घाट बांसी में घाट से पहले बनाए गए छठी मैया की मूर्ति की भी महिलाओं ने पूजा अर्चना की। अपना सब लोग बेटा मांगते हैं, हस्बैंड के विषय में रहते हैं और अपने मतलब जो
जिस किसी का बिगड़ जाता है इसलिए इंसान रहता है, इसीलिए सब लोग 3 दिन का छठ पूजा करते हैं और माता रानी सबको फल देती है, उसी के लिए सब लोग रहते हैं। छठ पर्व इसलिए मनाया जाता है कि ये मतलब बहुत ही जागता माँ है और इनका पूजा करने से सब कुछ पूरा होता है। जैसे माँ हर चीज़ पूरा करती है, जैसे बच्चे जिसको ना हो माता के दर पे आए और माता से माता का पूजा करें, कोसी भरे तो उनको बेटा मतलब प्राप्त हो जाता है। कितने दिन का व्रत होता है? ये 3 दिन का व्रत होता है, चौथे दिन व्रत तोड़ा जाता है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, छठ पूजा बहुत अच्छा हुआ है, नगर पालिका की तरफ से व्यवस्था भी अच्छा हुआ है। अब हम लोग को बहुत आनंद मिलता है छठ पूजा में आके। यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और छठ पूजा मतलब सारी औरतें व्रत रहती हैं अपने पुत्र के लिए, पति के लिए सूरज भगवान का मतलब जल अर्पण करती हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, दीपक जलता है और मतलब मेला वगैरह सब बहुत भीड़ होती है। इस समय क्या व्यवस्था आपको नजर आ रही है, नगर पालिका कैसी व्यवस्था की है? मतलब बहुत अच्छा है, मतलब इतने सारे पुलिस हैं और सब इतना सेफ्टी है, सही किया गया है। मतलब कुछ भी जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, सब सुविधाएं उपस्थित हैं। ये छठ पूजा एक बहुत बड़ा त्यौहार है, ये इसको लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। हमने जो है राप्ती घाट पे बैरिकेडिंग की, आने जाने की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमने पूरी करा लिया है। और नदी में भी जो है बैरिकेडिंग करा दिया गया है, सारी व्यवस्था हमारी पूरी है। ये छठ पूजा एक बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है। इसमें महिलाएं और बहुत ज़्यादा 20,000 की भीड़ रहती है। इसकी व्यवस्था हमने सारा बंदोबस्त, हमारे पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, सारे लोग लगे हुए, नगर पालिका के पूरे सभासद कर्मचारी सारे लोग लगे हुए हैं। छठ पूजा को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा और पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने भी घाटों का निरीक्षण कर अपने मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश पहले ही दे दिए थे। नदी के किनारे बने घाटों और यहां पहुंचने वाले रास्तों पर पुलिस की जवान सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते दिखे। बांसी राप्ती नदी के तट पर सुरक्षा की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा लगाया गया, वहीं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। देखिए, छठ पूजा के अवसर पर राप्ती घाट बांसी पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया ताकि मेन मार्केट में किसी तरह जाम की चीज उत्पन्न न हो, और कॉन्स्टेबल्स और लेडी कॉन्स्टेबल्स को सिविल ड्रेस में भी लगाया गया ताकि पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था चुस्त। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव की रिपोर्ट। यूपी के जलौन में उरई जलौन मार्ग पर शनिवार को एक स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। यहां स्कूली बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, बस में सवार 2 दर्जन अधिक बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसमें 2 बच्चों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें झांसी रेफर किया गया है, बाकी बच्चों को CHC लाया गया है। बस उरई स्थित जयपुरिया स्कूल से बच्चों को छोड़ने जालौन जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही DM व SP मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। कार्तिकेय गुप्ता। अच्छा, आप जो है ये किस स्कूल से हैं आप? सेठ अमर जयपुरिया। अमर जयपुरिया, आप लोग कहाँ जा रहे थे? जालौन। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ कुछ बता सकते हैं? आप लोग कितने बच्चे थे इस बस में? 40 बच्चे थे। आप मुन्ना कैसे, क्या हुआ, एक्सीडेंट बताओ जरा। ना गाड़ी लड़क रही थी, उसको ठेले वाले थे टक्कर पीछे से, ठेले वाले सीधी पेंदा है, सीधी पेंदा ही वाले। लगभग कितने बच्चे थे बस में? बस में कितने बच्चे थे? बच्चा 40 लगा है, 40। जालौन से दुर्गेश कुशवाहा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।